स्वागत है आप सबका फैक्ट टीवी इंडिया में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 रोचक तथ्य गांधी जयंती के बारे में। गांधी जयंती प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि है। गांधी जयंती प्रतिवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर उनकी स्मृति को कायम रखने के लिए मनाई जाती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। मई 1883 में 13.5 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से कर दिया गया। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई, जो सभी पुत्र थे। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया। उन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है। उन्हें संपूर्ण देश राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करता है। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया गया। महात्मा गांधी अंग्रेजी को एक आयरिश लहजे के एक रंग के साथ बोलते थे, क्योंकि उनके पहले अंग्रेजी शिक्षकों में से एक शिक्षक आयरिश थे। महात्मा गांधी 4 महाद्वीपों और 12 देशों में नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए जिम्मेदार थे। 1913 से 1938 तक वे लगभग 79,000 किलोमीटर चले, जो लगभग पृथ्वी का 2 बार चक्कर लगाने के बराबर है। महात्मा गांधी ने बोर युद्ध बोर वॉर के दौरान सेना में सेवा की, पर युद्ध के भयानक चित्र को देखकर उन्होंने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली। 1939 में गांधी जी ने हिटलर को युद्ध न करने के लिए एक अनुरोध पत्र लिखा, लेकिन यह पत्र ब्रिटिश आर्मी के हस्तक्षेप में आने के कारण कभी भी अपने इच्छित प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच पाया। स्टीव जॉब्स महात्मा गांधी के एक प्रशंसक थे। गांधी जी ने दुर्बन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में 3 फुटबॉल क्लब की स्थापना में मदद की थी। इन तीनों क्लब का नाम एक ही था, पैसिव रेजिस्टर सॉकर क्लब। भारत की 53 प्रमुख सड़कों और दुनिया के अन्य हिस्सों की लगभग 48 सड़कों का नाम महात्मा गांधी रोड है। तीस जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे नई दिल्ली के बिरला हाउस के मैदान में रात में चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कांग्रेस को भंग डिसॉल्व करने का सोचा था। महात्मा गांधी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। ग्रेट ब्रिटेन वह देश जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसी देश ने गांधी जी की मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।
गांधी जी का शुक्रवार फ्राइडे के साथ एक अजीब इश्तफाक था। उनका जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को मिली और इसके साथ साथ गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही की गई थी। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है। भारत में गांधी जयंती राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय निगम एवं शैक्षिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश होता है। गांधी जयंती के दिन गांधी जी की स्मृति में उनकी समाधि पर फूल माला अर्पित करते हैं तथा रघुपति राघव राजा राम की कीर्तन ध्वनि चरखा इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी बाकी वीडियोस को देखना ना भूलें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अपलोड की गई नई वीडियोस की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।